आज घर पर मिलके बनाते हैं एग बोंडा, जो बाहर स्ट्रीट में मिलता है, जिसे खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो आज हम अपने घर पर ही बनाकर इसे खाएंगे। तो नमस्कार, जायका 2023 में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर बनाते हैं एग बोंडा, जिसको बिहार में एग चाप भी कहते हैं। आज हम घर पर आपके साथ मिलकर एक बोंदा एक चाप बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 4 उबले हुए अंडे लेकर इसको छील के 4 अंडों को 2 पीस के टुकड़ों में काट कर रख लिए हैं। 4 आलू बॉईल किए हुए लिए हैं। ये मेरे पास थोड़े से छोटे साइज के थे तो छोटा ही लिया है, और 4 ले लिया। आप थोड़ा बड़े हो आपके पास तो आप बड़े लेकर मैश कर लीजिएगा। इसमें कुछ मसाले, कुछ प्याज वगैरह मिक्स करेंगे। तो ये ग्रीन अनियन है और अनियन है, ग्रीन चिली है और ग्रीन धनिया। इसमें हम आलू डाल देते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ग्रीन चिली इसमें डाला है इसलिए लाल मिर्च कम, और आप ज़्यादा चटपटा चाहिए तो आप डाल लीजिएगा थोड़ा ज़्यादा। धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा हींग डालकर इसको मैश करके रख लेंगे। बेसन का एक थिक सा बैटर बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर कैमरा ऑफ था। तो यहाँ एक उबले हुए आलू को अंडे को क्रश करके आलू में हम डालेंगे। तो ये क्रश करके रख लिए थे, अब इसको मिक्स कर देते हैं। इसको मिक्स कर लिया, अब हम बेसन के गाढ़ा घोल निकालेंगे और इस गाढ़े घोल में हम डिप करके उसको फ्राई करेंगे। तो इस कप से एक कप बेसन को हमने गाढ़ा घोल बना लिया है और अंडे को आलू के साथ गोला बना लिया है अंडे का। अब इसको हम गर्म तेल में डालकर इस तरह से एक एक करके डालेंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो जितना तेल की कैपेसिटी हो उतना ही आप डालिएगा अपने कढ़ाई में तेल के हिसाब से। तो इसमें 6 आ गए, 6 डाल के इसको हम आराम से हिलाएंगे और इस तरह से धीरे धीरे इसको एक एक करके पलट लेंगे। ज़्यादा हो गया मेरे में, इसमें डालने थे 5, कम से कम 6 डल गया, तो थोड़ा उलटने में टाइम लग रहा है। ये उलटते पुलटते ही तैयार भी हो गया है फ्राई होकर। तो इसे हम निकाल लेते हैं तेल से, और 2 बाकी रह गए हैं, इस 2 को भी हम इसी तरह से डाल लेते हैं। इनको भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसे बीच में काटेंगे, देखेंगे अंदर का लुक कैसा है। आलू स्पाइसी था तो खाने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें ऊपर से हम गार्निश करेंगे ग्रीन अनियन और चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल के इसको हम सर्व करेंगे। तो देखिए इस तरह का। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए, गार्निश भी कर दिया। तो इसका एंजॉय कीजिए आप भी अपने घर में बनाकर। खाने में अच्छा लगता है, बाहर खाने में अच्छा लगता है, घर में बनाइए और पूरे फैमिली के साथ खाइए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। ध्यान रखें।